Hi, I'm Mary Kom. You're watching Expo India. गोवा में एक फुट ओवर ब्रिज के टूटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 50 लोग नदी में बह गए। अब तक 2 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि करीब 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसा दक्षिण गोवा के कुरचोरेम में गुरुवार शाम करीब 7 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक ये घटना उस समय घटी जब एक जवान ने नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और लोग बड़ी संख्या में नदी के ऊपर बने पुल पर चढ़ गए, जिससे भीड़ हो गई। बढ़ती हुई भीड़ की वजह से पुल टूट गया। पुल टूटने से वहां मौजूद करीब 50 लोग नदी में जा गिरे। हालांकि नदी का बहाव बहुत तेज नहीं था, जिसके चलते कुछ लोग तैरकर बाहर आ गए और अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। हादसा देर शाम होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही थीं। इंडियन नेवी समेत स्थानीय प्रशासन लापता लोगों की तलाश में जुटा है। रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा चालू है और अब तक 2 बॉडी हमको मिला है। सर्च ऑपरेशन हमने आज सुबह 6 बजे स्टार्ट किया। उसके बाद हमको सपोर्टर जो इंडियन नेवी भी है हमारे साथ, उनका बोटिंग बोट भी है, हमारा भी बोट है और दृष्टि का भी प्राइवेट एजेंसी जो है उनका भी बोट है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।